मेरे सजनों और मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिन 19 जनवरी आज से 26 साल पहले कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया, क्योंकि आजादी मांगने वालों ने अपनी बुद्धि में ये बैठा लिया था कि हमारे हर देशभक्त को मुकबर करार देकर उसकी हत्या करना पुण्य का और जहाद का काम है। हमारे बेचारे समाज सेवक टिक्का लाल टपलू को इन लोगों ने दिन दिहाड़े सरेआम श्रीनगर के बाजार में उसकी हत्या कर दी, इसलिए कि वो एक पंडित था। अगर झूठ बोलना ही था तो जरा तरीके से बोलते। हो कौन तुम? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एक्टिविस्ट जो अपने लोगों के हक की बात करता है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो आप लोग सुनना नहीं चाहते। आप लोग सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। कितनी आसानी से आप लोगों ने कश्मीर के इशू का नक्शा खींच दिया और लोगों को आपने ये बताया है कि कश्मीर में कोई आजादी की जंग है ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ चंद जहादियों और मजलूम भारतीय फौजियों के आपस का मामला है। अच्छा मजाक है। तो तुम्हारे लिए 219 पंडितों की हत्याएं एक मजाक है? एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, ये हमें हमारा दीन सिखाता है। मरने वाला इंसान मुसलमान हो या पंडित, हम कश्मीरियों के लिए सबसे पहले वो एक इंसान है। और वैसे भी ये पंडित और मुसलमानों का फर्क तो आप लोगों ने किया है ताकि आप हमारी तहरीक को मजहबी जुनूनियत का रंग दे सके। हमारे वो सिर्फ पंडित नहीं बल्कि कश्मीरी भाई थे। तो जरूर बात कीजिए उन 200 पंडितों की, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन साथ साथ दुनिया को ये भी बताएं कि 1989 से लेकर आज तक भारतीय फौजियों ने कश्मीर में 100,000 इंसानों को कत्ल किया। 1989 से लेकर आज तक भारतीय फौजियों ने 11,000 औरतों का रेप किया। 19 जनवरी अ कश्मीरी पंडित डे, हमारे पास तो देने के लिए सिर्फ मिसालें हैं। अगर बात करनी हो भारतीय फौज के इंस्टीट्यूशन रेट क्राइम्स की तो कुनान पोशपुर और शोपियां की मिसाल लें। अगर बात करनी हो भारतीय फौज के मैस किलिंग्स की तो यजमौर, हंदवार और सोपोर मोसाइक्रिस की मिसाल लें। जिस कश्मीर में 7,00,000 फौज का कब्जा हो, जहां पर 1,50,000 के करीब आर्म पुलिस फोर्स हो, जहां पर विलेज डिफेंस कमेटीज हो, वहां पर मसला सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं बल्कि कश्मीर की आज़ादी का है।